Hold, ma'am, hold. Hold, 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 hold. Don't scare me, yaar. Yeah, thank you. Hold, ma'am, hold. मैं अभी I'm all excited, I'm nervous, I haven't seen the film yet, but I know it has turned out good because the script was great and shooting करते time पता चल जाता है, right? When you're a part of something really really good, so I'm very excited and I can't wait to watch it and share it with everyone actually. Yeah. Also, you know, कोई खास person जिसको ये film निकाला चाहती है. My parents, and of course, I have a lot of friends who come, you know. So I'm very excited. I just hope everyone loves it. So right now, I think it's a great thing that's happening, but I yet haven't been able to catch the news properly because I've been busy promoting the film. So, but I know my dad is very excited. He's not left the television, and everyone's so happy. So I'm very glad. I don't want to make any political statements right now because I need to read up more about it because I'm not well read about this right now, so let me understand a little more, then I'll be able to comment. All right, thank you. A great film. My friend Manjari is there in the film and I'm here to support her, and I've seen the trailer and I think it looks great. So and as an actor, it's always good to see great performances. It helps you grow. So I'm here to watch a good film and to grow as an actor. कैसा लगा ट्रेलर की बात करी आपने ट्रेलर? अच्छा था यार, काफी इंटेंस है एंड द वे मतलब जो भी देखा मैंने उसमें इट सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. अभी पूरी पिक्चर देखने के बाद ही आई विल बी एबल टू टेल यू यू नो इन अ बेटर वे दैट हाउ डू आई फील अबाउट द फिल्म एंड व्हाट डू आई फील अबाउट द परफॉर्मेंसेस. ऑल्दो आई एम नोबडी टू जज, बट हर एक मतलब इंसान की एक यू नो चॉइस होती है किसी फिल्म को लेकर या एक ओपिनियन होता है. तो I'm going in with a lot of expectations and I'm sure that Manjari and Amit have done a great job. जी हाँ बिल्कुल. अभी तो मैं कोई सीरियल नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम ओनली होस्टिंग वन शो कॉल्ड डांस दीवाने. सो आई एम काइंड ऑफ रिलैक्स नाउ. आई थिंक आई हैव डन टेलीविजन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड ट्राई डिफरेंट अरिनाज, डिफरेंट कैनवसेज ऑफ एक्टिंग. सो लेट्स सी, जस्ट प्रे फॉर मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बैरट हाउस. जी बिल्कुल. हाँ मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया. आई थिंक इट वॉज लॉन्ग ड्यू एंड आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज़ लॉट ऑफ गट्स एंड अ लॉट ऑफ विल टू डू गुड थिंग्स. सो चीयर्स टू देम, कूडोस टू देम एंड द होल ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग. ऑब्वियसली सम पीपल विल डेफिनेटली नॉट अग्री टू व्हाट्स हैपेंड, बट लाइक दे से लुक एट द पॉजिटिव साइड एंड मूव अहेड. And I think in the and time will tell whether it was a great decision or not. Okay, इसके बाद लगता है कश्मीर में शूट करना इजी है. कश्मीर में बहुत कुछ करना इजी हो जाएगा. I think I know a lot of Kashmiris, people from Jammu and Kashmir, and मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ही सिंपल एंड वेरी नाइस डाउन टू अर्थ पीपल एंड दे एंड यू नो कश्मीर जैसे वहाँ स्विट्ज़रलैंड है यूरोप में, वैसे यहाँ हमारे यहाँ कश्मीर है. बट पता नहीं इतना कुछ हमेशा न्यूज़ में हम ऐसा सब गलत गलत ही सुनते हैं कि एक तरीके से डर भी लगता है वहाँ जाने का. तो मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत देश जो है स्विट्ज़रलैंड छोड़ के कश्मीर जाए और वहाँ ऐसी ऐसा डेवलपमेंट हो, ऐसी चीज़ें हों
कि स्विट्जरलैंड छोड़ के लोग यहाँ पर आए या ऑल ओवर द यू नो वो इतनी सेफ हो जाए जगह कि लोग बोले यार वी वांट टू हॉलीडे इन कश्मीर. थैंक यू. अरे आ रहे कहाँ गए? ओके भाई, सबसे पहले फाइनली कल गए 7 अगस्त क्या कहना चाहेंगे यार? वो फ्राइडे वाला प्रेशर तो नहीं है, बट एक तरह से प्रेशर तो हमेशा होता है. एंड मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ सब जर्नलिस्ट को और आज भी जो सब आए हैं. बहुत बारिश है, हम लोग 4 दिन से प्रमोट कर रहे हैं और मुझे मालूम है आप लोगों को एक दिन में आई थिंक 8 जगह जाना होता है, एंड उसके बावजूद भी सब आए हैं और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं सब, और आज भी आप लोग आए, थैंक यू यार. क्योंकि मुझे वहाँ घर से आने में 2 घंटे लग गए, तो आई होप गॉड ओनली नोज व्हाट ऑल यू आर गोइंग थ्रू. सो मेरा सैल्यूट है आप सबको. हम लोग ने यार फिल्म बहुत एक होकर और बहुत मेहनत से बनाई है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस. यू नो हम हमेशा अपने काम से वैसे ही सब बहुत लगाव रखते हैं, बट मैं इस फिल्म से बहुत जुड़ा हूँ इसके लोगों के साथ. और हमने बहुत मेहनत से संघर्षपूर्ण अपनी अपने आप को पुश करते हुए सभी ने कोशिश की है एक सच्ची कहानी को फिल्म के हाउ यू एक फिल्म के माध्यम से डिजिटली आपको दिखाएं. एंड आई थिंक कल से ये Z5 पे स्ट्रीम करेगी एंड आई होप आप लोग देखें और आप लोग को अच्छा लगे और हमें बताइए उसके बाद कि आप लोग कैसा लगे. मेरे सारे ऑडियंस खास है मुझसे. एक्चुअली अभी कोई पूछ रहा था कि हमें तुम्हारा गॉड फादर नहीं इंडस्ट्री, मैंने कहा मेरा गॉड फादर है, ऑडियंस मेरी गॉड फादर है. सो दिस इज जस्ट फॉर ऑल द ऑडियंसिस, दिस इज फॉर एवरी वन हु लाइक्स एजी कॉन्टेंट, लाइक्स रियल लाइफ स्टोरीज, लाइक्स द रियल स्टफ, ये उनके लिए. आई होप आप लोग को अच्छा लगे जी. अरे यार पिक्चर में कहाँ से बीच में ले आए. आई थिंक मैं मेडाड आर्मी में थे, मैं कश्मीर में बहुत रहा हूँ और हर साल गुलमर्ग और इधर बाइक चलाता हूँ, स्की करता हूँ, और मुझे दुख होता है कि अभी तक के हमारे देश ने या हम लोग उस एरिया के बारे में कुछ नहीं कर सके. आई थिंक मैं जो मोदी सरकार है मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. यू नो आई थिंक इंडिया में अगर हम लोग यही देखें कि जो हमें चला रहे हैं, जिनको हम लोगों ने नियुक्त किया है, वो कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक मैं उससे बहुत खुश हूँ. एंड आई होप आने वाले दिनों में जब हम लोग बोलें कि कश्मीरी है, ऐसा लगे कि एक हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के लोग वहाँ जा सकें, दुनिया के लोग वहाँ जा सकें, बिकॉज आई थिंक ये दुनिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत जगह है. थैंक यू. Yeah, look here. Aryan, look with बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. अमित जो भी करता है उसके लिए हमेशा बहुत एक्साइटेड हूँ. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है, और मुझे ट्रेलर जनरली बहुत पसंद है, तो
I'm really looking forward to watching this. No. I haven't heard of it, and that's one of the reasons why I'm so excited to see it, because I love true events based shows and movies. So yeah. Right now I'm just honestly trying to get in touch with everyone I know there. So I'm just putting everyone safe. Why can't I get through anyone's number? Let me just and I want to how do I say it? I want to get more information, because I feel half-baked knowledge is very scary, and these are times where you shouldn't say anything when you don't have complete knowledge. So you know, isse ye hua, isse ye hua. But the repercussions, you need to sit and read a lot about it to know, okay, this is how it affects or this is how it doesn't affect. So I'll say something very soon, but once I get all my facts together. Thank you very much. Thank you. I'm very excited to see that how the film is made and its substance. I'm curious to find out what has, you know,
on it. I was like, so Manjari, is it the sun? Is it the sun? Is it the, you know, what is it? So I'm so eager to get to know. She was like, well, you'll get to see the movie soon. So Ellie, hold yourself. So yeah, I'm like very, very excited. I'm curious to know actually. And also this movie is based on a true incident. So have you ever heard of it? I know. I was like, whoa. No, I have not heard about it. There's a decision taken by the chip as well as the Sawal Mantra. No, I'm not even reading on these things. There's no point of even asking me these heavy questions. Advertiser for innovative outdoor solutions.